केसेस बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और नवंबर में हमने सुना है कि पीक तक जाएंगे। तो ये हॉस्पिटल, जैसे कि आपको पता है कि फैसिलिटी हमने स्टार्ट की हुई है, जहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कर रहे हैं कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स का, जो पॉजिटिव रिपोर्ट्स के साथ आएंगे। कौन आदमी आपके फॉरन, कौन यहाँ है अस्पताल में, फॉरन किसको आना चाहिए? जिनको सिवियर सिम्टम्स हैं कोरोना के, जैसे कोई सांस में दिक्कत हो रही है, जो लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स हैं, वो आए यहाँ पे और अपना इलाज कराएं। मतलब इस बात को सीरियस लेने का, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर नहीं लेंगे तो क्या होगा? जाहिर है जिंदगी चली जाएगी इंसान। सीरियसनेस मैटर। डॉक्टर साहब, क्या मैसेज देंगे देखने वालों को? कल रात से बेतहाशा जो है मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे बिला मुआवजा हर किसी की यहाँ पे ट्रीटमेंट की जाती है, रंगो नस्ल से बालातर होके। तो जिस किसी को भी अगर कोरोना पॉजिटिव है और सांस लेने में दुश्वारी है, तो वो यहाँ रात की किसी भी पहर आ सकता है। तमाम फैसिलिटीज यहाँ मौजूद है, वेंटिलेटर, बायपैप, सीपैप, हर किस्म। बहुत शुक्रिया। देखें, इन्होंने जो बात बोली, वेंटिलेटर, बायपैप, सीपैप, ये वो चीजें हैं जिनका आप लाखों रुपए एक रात का बिल देते हैं अस्पतालों में, लाखों रुपए। तो फिर वही बात करूंगा, पैसे ना होने की वजह से मरीज मर गया, रिश्तेदार मर गया, रिलेटिव मर गया। इस अफसोस से बचने के लिए हमारा ये पहला प्रोजेक्ट जो है ये तो रेडी है, दूसरे पे वर्किंग कर रहे हैं। हमें नहीं मालूम कैसे, लेकिन दोबारा मरीजों की तादाद में इजाफा होना शुरू हो गया है। अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स हैं, सांस लेने में दुश्वारी है, टेस्ट नहीं आ रहा, सूंघने में दिक्कत है, और आप समझते हैं मुश्किल पोजीशन में, और अस्पताल अफोर्ड नहीं कर सकते, आंख बंद करके जियाउद्दीन अस्पताल नॉर्थ अहमदाबाद पे जो है उसी गली के अंदर हुसैन लाखानी अस्पताल मौजूद है, जहाँ पे हुसैन लाखानी ट्रस्ट और JDC की तआवुन से मुफ्त अस्पताल मौजूद है। जो जो मशीनें बारिश में ख़राब हुई थी, हाथ के हाथ चेंज कर दी गई थी उसी वक्त, जो भी नुकसान हुए थे, ना उसके लिए कोई अपील की, ना उसके लिए भीख मांगी, सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। मुसलसल मरीज पिछले 4 महीनों से यहाँ पर, इस वक्त भी बड़ी तादाद में मरीज मौजूद हैं। इस वीडियो को लाजमी आगे बढ़ाएं, लोगों की ज़िंदगी बचानी है।